वीडियो भी वीडियो ऑडियो दोनों ही नहीं है अभी तो। 10th ही में भी बाकी सब ठीक है। फ्लक्चुएशन आ रही नहीं गया मैं, लेकिन 10th पर वीडियो और एडिट नहीं कर। आप एक एक करके पूछ रहे हो एक कुछ जी सी का भी अभी ऑडियो ज्वाइन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप मुझे पहले एक बात कहिए, आपको पता है टुडे विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट? ओके, डू यू हैव द वर्कशीट विद यू? सबको मिल गई है? ठीक है, एक आपके लेक्चर आपके डेस्क पे सिर्फ एक बेटा रफ नोटबुक, पेन एंड वर्कशीट, इतना ही सामान चाहिए। कोई बुक पड़ी है, एनीथिंग एल्स विच इज ऑन योर डेस्क, प्लीज कीप इट इन द बैग। रफ नोटबुक हमें फॉर प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि फिजिक्स चल रही है, तो मे बी डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स विल बी देयर। ठीक है, ओके यार, तो पेन से नहीं आ रही है, सबको बोली जरा एक बार। ओके बेटा, कहाँ तक हो गया ये चैप्टर आपका क्लास में? टिल व्हिच टॉपिक यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर? कहाँ तक हो गया? टिल ओम कर लिया सबने? ओम्स लॉ तक हो गया सबका? आगे सीरीज पैरेलल में से कुछ किया है अभी? ओके, सो आवर फर्स्ट मॉड्यूल इज रिलेटेड टू द टॉपिक्स करंट, पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। ठीक है, इन द कमिंग मॉड्यूल्स वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी पार्ट एंड एनी मतलब लाइक ग्राफिकल पार्ट रिलेटेड टू ओम्स लॉ, राइट? तो ये चीजें आज हम कवर करेंगे एंड अलोंग विद दैट वी विल कंप्लीट द वर्कशीट आल्सो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायरेक्शन ऑफ करंट। नॉर्मली ये चीज जो ये क्वेश्चन है ना, आई थिंक बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो व्हाट विल यू राइट? क्योंकि आपके बुक्स में दो तरह से डायरेक्शंस दी हुई हैं, एक को नाम दिया गया है कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक सिंपल बोला गया डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हु विल टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? एनीवन फ्रॉम क्लास 10th E? शुड आई गिव द नेम? 10th E? यस, आदित्य भाटिया। इज आदित्य प्रेजेंट? यस बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव? देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या हो सकता है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव? तो ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो, बट आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना इस चीज को। आप डायरेक्टली कैसे बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव? नेगेटिव ऑफ व्हाट, पॉजिटिव ऑफ व्हाट? कोई बैटरी होगी, कोई सेल होगा, कोई कंडक्टर होगा, एनीथिंग, एनी वर्ड यू वॉन्ट टू एड इन दिस? यस, ओके, अभी से गो बैक टू योर सीट। एनीवन फ्रॉम द क्लास 10th है? अनिकेत, 10th है अनिकेत। आइए बेटा जल्दी आइए आगे फटाफट। डू यू नो द आंसर? नो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में, मैं आपको समझाती हूँ। लेट अस से दिस इज आवर कंडक्टर, ठीक है? लेट अस से
this is our conductor, and there are this end is negative and this end is positive. Now you know that every conductor has free electrons in it. Now, what is the meaning of free electrons? देखो डेफिनेशन तो बेटा आप सब क्रैम कर लोगे, बट उसके अंदर जो छिपे हुए वर्ड्स है ना, जो बच्चों को नॉर्मली व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट इयर्स, कि जो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चंस परेशान करते हैं, टर्म्स परेशान करते हैं ड्यूरिंग एमसीक्यूज जब आपके एग्जाम्स में आते हैं. इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स के कारण क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है, कभी जिसको पता होगा वो ठीक कर देगा. Now, what do you mean by free electrons? See, आपने पढ़ा है, you have any atom, कोई भी एक एटम है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट? एंड व्हाट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? क्या क्या चार स्पीशीज प्रेजेंट होती है? यस, प्रोटॉन्स. वेरी गुड, प्रोटॉन्स है. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है जी. सो जो प्रोटॉन्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पी पॉजिटिव, सो दीज आर फिक्स्ड. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द ऑर्बिट, ठीक है. लेट अस से मेरे पास एक और ऑर्बिट है एंड आई हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट. लेट अस से अभी मैं किसी एलिमेंट का, किसी एटम का नाम नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस अभी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इन द ऑर्बिट, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे. इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाएगा, ठीक है. ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था, आयंस की फॉर्मेशन होती है, कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ऐसा पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होते हैं, ठीक है. जब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एम आई क्लियर? ठीक है. सो इन एवरी कंडक्टर वी हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. आई एम मार्किंग द नेगेटिव चार्ज एक्चुअली, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर कंडक्टर के अंदर, ईच कंडक्टर, राइट. नाउ यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. इन विच डायरेक्शन दे विल मूव, टुवर्ड्स द पॉजिटिव और टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. हमने बोल दिया ना इलेक्ट्रॉन करंट. नाउ देयर इज वन मोर डायरेक्शन. अब हमने ये तो इलेक्ट्रॉन का करंट बताया ना, कि इलेक्ट्रॉन का करंट कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ जा रहा है, तो दैट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट बेटा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, राइट. दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, विच इज, हम इसको बोल सकते हैं ना, देखो इलेक्ट्रॉन करंट कहां पर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड कन्वेंशनल करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैन वी से इट लाइक दिस? क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है? बताइए, अभी समझ आया कुछ? जो हम अपने चैप्टर में काम करेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर वी विल यूज कन्वेंशनल करंट, सो वी आर नॉट रिपीटिंग द टर्म अगेन एंड अगेन. कन्वेंशनल, वी विल सिंपली यूज द टर्म करंट,
तो पूरे चैप्टर में आप लाइट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आप करंट वर्ड अगर पढ़ रहे हो तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। इज इट क्लियर? अभी भूले भूलना नहीं चाहिए आप किसी को। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो इसमें मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट में नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, बताइए। ओके, इसको प्लॉट कर लो बेटा, सिर्फ जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द इंफॉर्मेशन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। Yes, which are completed. No. Can anyone tell me when electrons are discovered? पढ़ा होगा 9th क्लास में। एनीवन? भूल गए 9th में पढ़कर? किसने डिस्कवर किए थे? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स? वेरी गुड, शाबाश। एंड डिस्कवर हुए थे बेटा 1897, राइट, बाय जे जे थॉमसन। चलिए बेटा, आई थिंक कर लिया होगा सबने। शुड आई रब इट? Yes. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट करंट है क्या? हाउ विल यू डिफाइन द करंट? कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? ठीक है, करंट को समझने से पहले बेटा हम समझेंगे चार्ज को। व्हाट इज चार्ज? नाउ चार्ज क्या चीज होती है? दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड इन द सेंस, जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस वॉज द फिक्स्ड क्वांटिटी। Yes. इसी तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। सो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज। सो दिस इज चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं।
अगर कम इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो कम चार्ज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो ज्यादा चार्ज होगा। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, करते हो, तो ये चार्ज वर्ड वहीं से, वही वही चार्ज है बेटा। ये आपने देखा होगा किसी किसी का मोबाइल फास्ट चार्ज हो जाता है, 1 घंटे में फुल बैटरी, किसी का 3-4 घंटे में भी फुल चार्ज नहीं होता। आपने ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक ये फिनोमिना, सबके घर में फोन है, ठीक है। कभी कभी जो फोन होता है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, जैसे मेरा जब फोन जब न्यू था तो वो 1 घंटे में चार्ज हो जाता था, बट धीरे धीरे उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 2 घंटे हो गई, 2.5 आवर हो गई, आजकल तो 3 घंटे चल रही है उसकी, ठीक है, इतना टाइम लग रहा है चार्ज। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कम कम पास हो रहे हैं तो फोन धीरे चार्ज हो रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रॉस कर रहे थे तो चार्जिंग क्या थी, ज्यादा फास्ट थी, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ आया चार्ज का मतलब। नाउ करंट, नाउ व्हाट इज करंट, कोई मुझे बताएगा फिर ई की जो फिक्स्ड वैल्यू है, दिस इज व्हाट, कितनी होती है इसकी वैल्यू? यस एनीवन, यस इट इज 1.6 10^-19 सी। सी इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम। कूलम की स्पेलिंग बताएगा कोई मुझे? आगे आगे सी ओ, सी ओ, सी ओ एल ओ, L-U-M-B. यू एम बी, ठीक है, थोड़े से हटके स्पेलिंग है कूलम, ठीक है। तो करंट, अभी हम आते हैं करंट पर। नाउ करंट इज व्हाट, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो पहले हमने देखा कितना चार्ज है, अब कितना चार्ज कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, ठीक है, कितना चार्ज है कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, दैट विल गिव अस द करंट, इज दैट क्लियर। सिंबल ऑफ करंट इज आई, चार्ज इज क्यू, टाइम इज टी, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ करंट, इज दैट क्लियर? ओके, सो टिल नाउ वी गॉट टू फॉर्मूलाज, वन इज फॉर चार्ज, वन इज फॉर करंट। नाउ इट्स द टर्न ऑफ थर्ड फॉर्मूला, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, राइट। नाउ पोटेंशियल कैन बी सेड एज सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट कैन बी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक डिफरेंस, थोड़ा सा वेरिएशन होता है बेटा डेफिनेटली इनकी डेफिनेशंस में, बट राइट नाउ वी आर लाइक एज्यूमिंग इट एज सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो दिस इज योर कंडक्टर, वन इज ए पॉइंट एंड अनदर इज बी पॉइंट, वन एंड इज एट लेट अस से 10 वोल्ट, अनदर एंड इज एट लेट अस से 20 वोल्ट, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वन, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है। तो हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट विच विल गिव यू 10 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन से दैट दिस इज अ पोटेंशियल एट ए एंड दिस इज अ पोटेंशियल एट बी। नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, वहां पर आपको दिया होता है पोटेंशियल इज 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट जो दिया गया ना वो माइनस करके आपको डायरेक्ट दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अभी करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स, चलिए। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, द सिंबल ऑफ पोटेंशियल इज वी, द फॉर्मूला सेड पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। नाउ व्हाट इज वर्क डन, डब्ल्यू, चार्ज इज क्यू, सो दिस इज आर थर्ड फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ वर्क डन? जापान सॉरी, वेरी गुड। सो यूनिट क्या होती है, जाउल्स,
और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, राइट? तो वोल्ट की यूनिट क्या हो गई, पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी मैं समझाऊंगी इस पार्ट को आपको कि कैसे इन चीजों को समझना है, याद नहीं करना। चले आगे, चलिए। सो टेक आउट योर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 वोल्ट। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 वोल्ट। द वर्क डन इन, देखो अब यहाँ पे 20 वोल्ट डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, है ना? तो ये बिल्कुल मतलब जो माइनस करके डिफरेंस करके फिर वैल्यू आपको डायरेक्ट, ओ मैंने चैप्टर का नाम ही गलत लिख रखे हैं। वन इज सेइंग, ठीक है, चलिए। सो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 वोल्ट। पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? व्हाट इज 0.5 कूलम देन? इट इज डब्ल्यू और इट इज क्यू। इट इज क्यू, ठीक है। अगर यूनिट जूल में दे रखी होती फिर ये डब्ल्यू होता। हमें फाइंड करना है वर्क डन। कैन यू टेल मी द आंसर फास्ट? देखिए V का फॉर्मूला हुआ W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट W, तो W हो जाएगा V इंटू क्यू। नाउ व्हाट इज V? 20, Q इज 0.5। व्हेन यू रिमूव दिस डेसिमल इट विल बी 10। 0 एंड 0 कैंसिल, 5 टू द 10, वर्क डन इज। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन टू, रीड इट फास्ट। चार्ज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज नहीं है बेटा, उसके आगे एक वर्ड है दैट विल क्रिएट द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अ नेगेटिव चार्ज। अब रीड कीजिए जरा इसको, और वो स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर लीजिएगा बेटा। रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट ए मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। See, have you read? देखिए क्या कह रहे, अ नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। ए पर कोई नेगेटिव चार्ज हमने रिलीज किया और वो कैसे मूव कर रहा है? अलोंग ए बी। नेगेटिव चार्ज अभी हमने समझा था कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। चलिए, द पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट। कैन एनी वन गिव मी द आंसर? एनी वन, जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी को आइडिया है कि क्या आंसर हो सकता है। नो वन, कोई टीचर्स, एक्चुअली मेरे को सारे स्टूडेंट्स विजिबल नहीं है हर क्लास में। कोई है तो किसने हैंड रेज किया है तो प्लीज लेट मी नो, किसी भी सेक्शन में। नो वन, चलिए चलते हैं फिर, ठीक है। पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट एंड इट वेरीज यूनिफॉर्मली अलोंग ए बी। मतलब ए टू बी तक आते आते वो चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे 15 है, फिर 16, 17, 18, ऐसा भी हो सकता है। 15 है तो 14, 13, 12, 9, 10, 9, ऐसे भी हो सकता है, चेंज हो रहा है वो पोटेंशियल। समझ आया इतना क्वेश्चन? पोटेंशियल एट बी इज, हमें इसकी एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर,
लोअर। हायर टू लोअर। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज हमने अभी किया था डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे किया था मैंने नेगेटिव बनाए थे, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये हमारी हमने क्या लिखी थी करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज इन दिस केस। प्रोटॉन कहाँ मूव करेंगे, प्रोटॉन्स वो मूव करते हैं जो ये हमने कन्वेंशनल करंट किया था ना, कन्वेंशनल, यही हमारे प्रोटॉन की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, यही हमारी प्रोटॉन की डायरेक्शन है। अगर प्रोटॉन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंड है ये हायर वैल्यू पर होगा और ये लोअर पर होगा, ये समझ आया। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन हमने की दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो, समझ आया। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्रोटॉन्स जाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी आपने मुझे बोला जो प्रोटॉन्स है वो हायर टू लोअर वैल्यू जाते हैं, मतलब अगर प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ हायर वैल्यू होगी और यहाँ पर लोअर और वैल्यू होगी। देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, प्रोटॉन्स कहाँ आ रहे होंगे, फ्रॉम बी टू ए। तो बी पर जो वैल्यू है वो 15 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कम कम होगी तो मूव कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट कर दूं तो प्रोटॉन कैसे मूव करेगा, अभी आपने मुझे बोला हायर टू लोअर, तो यस ये आपने लोअर ले ली वैल्यू, ये हायर ले ली। हाँ जी बेटा, क्या मूव करेंगे प्रोटॉन्स फिर, अब मुझे वाटर बताओ हायर टू लोअर लेवल मूव करेगा वाटर या कैसे मूव करेगा, हायर वाले से लोअर में जाएगा या लोअर से हायर में जाएगा। वाटर क्या है, हायर टू लोअर जाएगा ना, ऊपर वाले से नीचे वाले में जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 15 है तो डेफिनेटली एंड बी पर जो पोटेंशियल है वो मोर देन 15 होना चाहिए, तभी तो वो जाएगा ना मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, 20, मे बी 10 वोल्ट, नहीं हो सकता 10 वोल्ट तो हम ले ही नहीं ना सकते, कम वैल्यू तो ले ही नहीं सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मे बी 15 वोल्ट, 15 वोल्ट अगर मैंने ले लिया तो दोनों लेवल बराबर हो गए, पानी के दोनों टैंक्स एक ही लेवल पर हैं तो पानी मूव कैसे करेगा, इट विल नॉट मूव एट ऑल, पोटेंशियल मूव करंट मूव ही नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बचेगा, मे बी 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, मे बी एनी हायर वैल्यू, अगर 16 दिया होता तो 16 आंसर आ जाता, 15 से हायर चाहिए हमें यहाँ पर वैल्यू, मे बी 20 वोल्ट। ये समझ आया बेटा, यस बेसिकली इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा क्या गया है कि पोटेंशियल की हायर वैल्यू बता दो, यहाँ पर यहाँ 15 है उससे हायर वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो हायर की ऑप्शन तो एक ही है हमारे पास, बाकी तो सब कम किया इक्वल की है। समझ आया बेटा, ठीक यस है। देखो अब इतना सा कॉन्सेप्ट था कि पोटेंशियल जो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा करंट मूव करता है, ठीक है, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज वर्ड छोड़ दोगे तो ये आंसर गलत हो जाता आपका, नेगेटिव चार्ज ए टू बी जा रहा है, पॉजिटिव बी टू ए आ रहा है, इज दिस क्लियर। चलिए यस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से मुझे बताइए, अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, द करंट फ्रॉम ए एंड बी, ए टू बी, सॉरी ऑप्शन सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। अगर ए और बी कभी भी दो पॉइंट्स की बात हो रही हो और पोटेंशियल पूछा जा रहा हो, बाकी थोड़ा क्वेश्चन की सेंस पे भी कई बार डिपेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जूल पर कूलम्ब इज
सेम एस। बॉय। अब देखो कैसे पता चलेगा, ये तो अभी अभी मैंने समझा दिया था, जूल। हाँ जी, पर कूलर। जूल किसकी यूनिट थी हमारी? कूलम किसकी यूनिट होती है? एंड डब्ल्यू अपॉन क्यू किसका फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू पोटेंशियल, या आप सिंपल वी भी बोल सकते हो, पोटेंशियल या फिर वी। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। बस, तो डब्ल्यू पॉन जूल पर कूलम इज सिमिलर टू वोल्ट। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, राइट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड। क्या सेल के ऊपर मार्क्ड होते हैं प्लस माइनस साइन? एमीटर देखा है सबने? हैव यू सीन द एमीटर? नहीं देखा? आपने लैब गए हो, आप एक्सपेरिमेंट किया है कोई? टीचर्स आपके होगा हमारे पास शायद स्कूल में वोल्ट मीटर, एमीटर, मे बी दे आर प्रेजेंट। तो मैम प्लीज एक बार इनको दिखाइएगा, मैं अगर मुझे पता होता मैं शो कर देती बच्चों को, पढ़ा तो मेरे पास भी है। मे बी इन द नेक्स्ट, कल मे बी वी हैव द नेक्स्ट क्लास, तो टुमारो आई विल शो यू। ओके मैम, ओके जी, ठीक है। तो बेटा हर एमीटर एंड वोल्ट मीटर के ऊपर भी पॉजिटिव एंड माइनस साइन इज देयर। एक प्लस साइन होता है, आपने सेल देखा है ना अपने घर में, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया जो सेल होते हैं, ड्राई सेल्स जो हमारे रिमोट्स में, क्लॉक्स में, काफी जगह डलते हैं, उनके ऊपर एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, मार्क्ड होता है सेल के ऊपर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो घर जाकर आज ही देखना है सेल के ऊपर कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। इज इट क्लियर? चलिए, एमीटर पर भी होता है, वोल्ट मीटर पर भी होता है, रेजिस्टर पर नहीं होता। क्या कभी किसी ने कोई बल्ब के ऊपर देखा है? एक बल्ब हो आपके पास, क्या इस बल्ब के ऊपर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव कभी देखा है लिखा हुआ? नहीं होता। ठीक है, कभी ट्यूबलाइट के ऊपर, किसी फैन के ऊपर, क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव मार्क होते हैं? नहीं होते। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर इज डी, रेजिस्टर। रेजिस्टर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन मार्क नहीं होता। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन, द करंट इन अ वायर डिपेंड्स, यस, On हाँ जी। बेटा ये ना क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर बोथ ऑफ देम है, बट रेजिस्ट टॉपिक, अभी रेजिस्टेंस का मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी ओम्स लॉ हमें डिस्कस करना है, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन भी फिर ही करेंगे डिस्कस। चलिए, अभी हम थोड़ा सा ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं, थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ, और उसमें आपको किस चीज को याद रखने की जरूरत है? ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, और बेसिकली हमारे डेफिनेशन एग्जाम्स में गलत कहाँ हो जाती है? ठीक है, ओम्स लॉ से स्टेट दैट करंट, अच्छा ये ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ये ओम्स लॉ जो है, ये ओम्स तो सबको पता है एक साइंटिस्ट का नाम है ना, उसने एक लॉ दिया है, उसने वो लॉ किस लिए दिया? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन बताने के लिए उसने हमें एक लॉ दिया। अब ये जो लॉ है कि एप्लीकेबल कहाँ पर है, मतलब एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि किस किस कंडीशन में इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपके पास एक प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, लेट अस से ये मेरे पास एक पेन पड़ा है विच इज ऑफ प्लास्टिक, क्या इसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या मेटल्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है? ठीक है, क्या ये फ्लूइड्स, लिक्विड्स जो होते हैं, क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल है?
कुछ आंसर्स नो आए हैं, कुछ यस आए हैं। वो लिक्विड अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं उस लिक्विड में तो एप्लीकेबल है, अगर वो लिक्विड न्यूट्रल है उसमें अभी आयंस नहीं बने हैं तो एप्लीकेबल नहीं है। आयंस मतलब कुछ फ्लूइड होते हैं ना, जैसे कि NaCl है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NaCl ले लूं, पानी में डिजोल्व कर लूं, फिर इसके आयंस बन जाते हैं। मे बी केमिस्ट्री में चल रहा होगा आपका सब कुछ, थोड़ा बहुत आयंस वगैरह का टॉपिक। यस तो सॉल्ट के आयंस बन जाते हैं, नाउ इट कैन फॉलो द ओम्स लॉ। सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा, अगर नमक ले लिया और आपको कि अब ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाए सॉलिड फॉर्म में तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल है? सभी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एवरी मेटल। नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज, पोटेंशियल डबल, करंट डबल, पोटेंशियल हाफ, करंट हाफ, ये सब कुछ होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? सो बट ये एप्लीकेबल कब है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज आर मेन कंडीशन बेटा। यही इसी पॉइंट की मैं आपसे बात कर रही थी जहां पर ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स की गलत हो जाती है, ठीक है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पहले एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत सारी फॉगी डे में, बहुत ज्यादा विंटर डे में कर लिया, और फिर ये हॉट समर डे में आप कर रहे हो जब लू चल रही है, इतनी गर्मी है, तो थोड़ा सा तब ये लॉ चेंज हो जाएगा, थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। टेम्परेचर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द मेन कंडीशन। नाउ यहां पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे अब, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या चीज है? यस, कौन बताएगा? पढ़ा हुआ है सबने, व्हाट इज रेजिस्टेंस? Opposition offered by the atoms. बताइए। Oppositions offered by the atoms. हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, नाउ आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, इट कैन बी रिटन एज वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, इट कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल्स टू आर आई। दिस इज हेयर वी हैव द नेक्स्ट फॉर्मूला। आर जो है दैट इज द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, जैसे आपने पेन पकड़ा हुआ है, कॉपी होल्ड की हुई है, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, सिर्फ ये फील होता है, जैसे कि ठंड फील होती है, गर्मी फील होती है, आप होल्ड नहीं ना कर सकते उसको। ये भी क्या होता है, हमारी वायर्स में क्रिएट होता है, हमारे कंडक्टर्स में क्रिएट होता है। रबर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली ज्यादा, ठीक है। समझ आई ये चीज? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, नहीं फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस है क्या? करंट को आगे जाने से रोक रहा है कि भी तू रुक जा यहीं पे, आगे नहीं जाना, ठीक है। जहां पर ये रोकने वाली चीजें कम होंगी करंट को जगह मिल जाएगी, वो आगे निकल जाएगा। जहां पर ये रोकने वाला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, करंट को आगे नहीं जाने देगा। अब ये आया कहां से, दिस इज द क्वेश्चन। एक वर्ड याद रखना है बेटा आपने, दैट इज द कोलिशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ फिक्स्ड प्रोटॉन्स भी हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी हैं जो कि फिक्स्ड हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अभी क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, देखो जब तक हमने इसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेटा रैंडमली, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त ये क्या होते हैं, इनमें होती है कोलिशन। कोलिशन होता है टकराना, एक दूसरे से टक्कर लग रही है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके क्लास में सपोज करो अभी कोई कुछ आ जाए, कॉकरोच आ जाए,
रैट आ जाए तो क्या करोगे, भागोगे सब? मैक्सिमम तो भागेंगे, और उसमें क्या होगा, एक दूसरे से आपकी टक्कर भी हो जाएगी। उस टक्कर के कारण कुछ क्या क्रिएट होते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। समझ आया? क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस किस कारण से, कोलिशन के कारण से। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकरा रहे हैं, और आप अपने डेस्क के साथ भी टकरा रहे हो जो कि फिक्स है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से, लेटर से, यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स एंड योर डेस्क विच आर फिक्स्ड। अभी हम फिक्स्ड मानकर चल रहे हैं, मूव कर सकते हैं, फिलहाल हम इनको फिक्स्ड मानकर चल रहे हैं, दे आर प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर क्लास के अंदर कोई एनिमल आ गया, लेटर से रैट ही आ गया, आप भागोगे, भागोगे तो आप आपस में भी टकराओगे एक दूसरे से, और आप अपने फिक्स्ड बेंचेस के साथ भी टकराओगे। जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ टक्कर होगी, मतलब कोलिजन होगी, उसके कारण उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी। मोर द कोलिजन, मोर इज द रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस आई कहां से, ये रुकावट आई इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे से टक्कर लगने के कारण। नाउ अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें, इस एंड को नेगेटिव कर दें, तब ये क्या करेंगे सब इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल स्टार्ट्स मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब ये रैंडमली मूव नहीं कर रहे हैं। नाउ द कोलिशन, जो अब आप सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो। आपको टीचर बोले भी रैट है क्लास के अंदर, आप ये सब इस डोर से निकलना शुरू कर दो वन बाय वन, तो कोलिशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। और क्या होगा, जो करंट, अभी हमारे बार बार बोल रहे करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस करंट को रास्ता मिल जाएगा क्रॉस होने का। समझ आया? सो दिस इज द फैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहां पर चेंज हो रहा है, किस कारण से आ रहा है, बेसिकली ड्यू टू द कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हमारा पार्ट हो गया कवर। अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ पर। ये किसी ने दोबारा पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क अगेन? इज दैट क्लियर? ठीक है, पूछूंगी फिर कल आपसे, गेट रेडी। ठीक है, कल आपसे मैं नहीं क्वेश्चंस पूछनी इसी टॉपिक से रिलेटेड। नाउ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट दिस ग्राफ इज सेइंग, ग्राफ इज सेइंग द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है आई और वी में, ठीक है, जैसे सपोज ये लाइन मिली या आपको कुछ ऐसे मिला, तो ये जो है ये हम बोलेंगे दीज ग्राफ्स या दीज कंडक्टर्स आर नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ। इसको हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर, जहां पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट इज द ओमिक कंडक्टर। रेस्ट ऑफ ऑल आर नॉन ओहमिक कंडक्टर। राइट? नाउ देयर इज वेरी मच, अच्छा एक चीज और, वी एंड आई आर नॉट फिक्स्ड, दैट आई इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, यू कैन चेंज देम ऑल्सो। दोनों कंडीशंस में आपके ग्राफ बिल्कुल ठीक हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि आई और वी को किस पोजीशन पर लिखना है। बोथ, जैसे मैंने यहाँ पर आई इधर लिखा है, वी इधर लिखा है, अब इस केस में वी यहाँ लिख दो, आई यहाँ कर दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए वन मोर थिंग। अब अगर आपके पास एक ही ग्राफ के अंदर दो लाइंस हो, ये ए है और ये बी है, और आपसे पूछ लिया जाए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है,
विच हैज मोर रेजिस्टेंस। हाँ जी, कैसे बता पता लगेगा? यस, फिलहाल मैं यहाँ पे आई और वी चेंज कर रही हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना, फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझा लूंगी। देखो बेटा, आप बी पर एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी, मेरे को पता है कि इस टाइम जो रेजिस्टेंस ज्यादा है वो बी का है। कैसे? आपने बी पर भी एक पॉइंट ले लिया, उसी के बिल्कुल नीचे आपने ए पर भी एक पॉइंट ले लिया और उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स द करंट एक्सिस। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं हमें एक तरीके से। यहां से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है और एक ऐसे ड्रॉ की है, राइट? अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू V1 है और ये वैल्यू V2 है। अब मुझे ये बताइए, V1 की वैल्यू ज्यादा होगी या V2 की ज्यादा होगी? विच वन इज मोर, V1 V2? V2 V2 ऑब्वियसली, अगर आप देखो कोई भी नंबर लाइन अगर प्लॉट करते हो तो यहां पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही होते हैं ना नंबर्स, ऊपर की तरफ तो इंक्रीज होते हैं। तो ऑब्वियसली जो V1 है उसकी वैल्यू कम है और V2 की वैल्यू ज्यादा है, राइट? अब अगर आप यहां से देखो, मैंने इन दोनों का करंट, जैसे 0 और 1 एम्पियर, दोनों का करंट कितना कर दिया? 1 एम्पियर। दोनों के करंट को मैंने कर दिया सेम, मान लिया मैंने सेम है इस पॉइंट पर। आपने भी ऐसे ही करना है, कहीं पर भी ले सकते हो, बट एक सीधी लाइन आनी चाहिए करंट एक्सिस पर। ठीक है, समझ आई बेटा ये बात? नाउ एज V2 इज मोर, अब यहां से देखो जो वैल्यू सेम है वो हमारे आंसर को चेंज नहीं कर रही। आपने सिंपल अब रिलेशन देखना है V और R में। V और R अब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैन यू से दैट? ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या होता है, यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, आर का फॉर्मूला मुझे मिलेगा वी अपॉन आई। ठीक है, जो वैल्यूज ऊपर ऊपर होती हैं, आमने सामने होती हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, मोर द वोल्टेज मोर विल बी द रेजिस्टेंस। समझ आई ये चीज? अब इस केस में वोल्टेज आप बोल रहे हो कि V2 की ज्यादा है, अगर V2 की वोल्टेज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। समझ आई ये चीज? ये समझना जरूरी है, इसके लिए ये समझना जरूरी है आपको। समझ आया? आर जो होता है हमारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जहां वी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? समझ आया बेटा ये सबको? यस एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 10th, नाइन्थ भी कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th भी हो जाएगा आपका। बी, वेरी गुड। 10th का आंसर भी बता दीजिए जल्दी से। आउट ऑफ ए एंड बी, विच हैज मोर रेजिस्टेंस एट द सेम टेम्परेचर? बी। ठीक है, जिसकी वोल्टेज ज्यादा, ये सेम ही बना हुआ है आपका, फिलहाल सेम ही हो गया, तो V2 ज्यादा है तो बी आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन का बोथ ऑफ देम हमने देख लिया था। देखो करंट पूछ रहे हैं ना, अब करंट देखो, करंट हमारा V और R दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, केस स्टडी पर चलते हैं। केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विल डिजायर्ड इन मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? अगर इलेक्ट्रिक वायर बनानी हो तो इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं है हमें? हाई मेल्टिंग हाई पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
हाई मेल्टिंग पॉइंट तो चाहिए बेटा, वायर मेल्ट हो जाएंगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए वायर का, नहीं तो करंट पास होगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट इज डिजायर्ड जी बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए बेटा, तार में से कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो करंट ही नहीं निकलेगा, करंट कैसे पास होगा। द आंसर इज हाई रेजिस्टेंस। अभी देखो हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ज्यादा हुआ रेजिस्टेंस, इनवर्स का मतलब क्या कि रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है और करंट कम है, समझ आई ये बात, यस ठीक है। ये हमेशा बेटा इस चीज को आपने बहुत दिमाग में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज आती है, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। वो कहेगा मैंने सोना है तो वो कहेगा मैंने जागना है, वो कहेगा दिन है, एक कहेगा दिन है तो दूसरा कहेगा रात है, ये रिवर्स चलेंगे एक दूसरे के। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। तो विल इट इज डिजायरेबल कि आपके जो घरों में वायर लगी हुई है उनमें करंट कम आए, नो नहीं, तो उसके लिए हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस राइट ऑप्शन इज बी। 13th का भी बेटा क्वेश्चन नंबर 13। द वी आई ग्राफ फॉर टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी इज गिवन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर टेम्परेचर्स? यस सी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ए ए ओके, एनी वन एल्स विद बी और डी ऑप्शन? बी डी भी बोल दो, डी भी बोल दो बेटा। टेम्परेचर भी अगर मुझे हायर देखना है ना तो पहले मुझे रेजिस्टेंस ही देखनी पड़ेगी कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अभी मुझे बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ए बी की या बी की? अब उल्टा हो गया क्वेश्चन। लुक देखो यहां पर आई है और यहां पर वी है। अब ये जो एक सिंगल लाइन बननी है ना बेटा हमारी, वो अब कहाँ बनेगी? एक पॉइंट यहां लो और एक यहां लो, अब हमारी आई पर सिंगल लाइन बनेगी और वी वन और वी टू हमें यहां पर मिलेगा, समझ आया? यस तो अभी मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का? ये वैल्यू ज्यादा है ना, वी टू ज्यादा है। अगर वी टू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए अब ज्यादा हो जाएगा बी के कंपैरिजन में, यस राइट? रेजिस्टर किसका ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपने फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने देखा किसका ज्यादा है, ए का, तो टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, समझ आई बेटा ये चीज? यस चलिए। यस फॉर द सेम कंडक्टिंग वायर, यस 14th क्वेश्चन, फॉर द सेम कंडक्टिंग वायर अभी अभी हमने टेम्परेचर का पढ़ा, मोर द टेम्परेचर मोर इज द रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए ऑप्शन है टेम्परेचर ज्यादा होगा समर में तो रेजिस्टेंस भी उस सेम वायर की रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू विंटर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, बहुत मामूली सा फर्क आता है, बट इट विल इंक्रीज, ठीक है। अब चलिए, अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? ऑप्शन ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, उसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, 5 इक्वल पार्ट्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, फोर ईच पार्ट, ठीक है। जैसे लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो और उसको 20 मीटर की और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए,
देन क्या, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल्स टू 4 ohms, ठीक है। चलिए, एजर्शन रीजन रह गए हैं बेटा हमारे, आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है ना। सो ट्राई टू डू दिस एजर्शन रीजन बाय योरसेल्फ, ठीक है। बाकी मैं ये कल डिस्कस करती हूँ फिर आपसे, ठीक है जी। ओके, ठीक है, चलिए। अभी रिवाइज करके आना बेटा ये सब, ठीक है। टुमारो आई विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मॉड्यूल एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड वन, राइट। Yes. बाय एवरीवन, बाय Amen. बेटा, बाय।